आज दिनांक 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत लक्ष्मी माता संघ स्तरीय संघ CLF की वार्षिक आम सभा का आयोजन CLF भवन ग्राम उन ब्लॉक खरगोन जिला खरगोन में किया गया, जिसमें CLF अध्यक्ष सुनीता मालविया द्वारा प्रगति प्रतिवेदन का वाचन किया गया। आपको बता दें, अंकेशन रिपोर्ट, आय व्यय एवं वार्षिक बजट पर चर्चा की गई, HR भर्ती का अनुमोदन किया गया, पदाधिकारी परिवर्तन पर चर्चा की गई, योजना संबंधी जानकारी दी गई। जिला कार्यालय से ADM सिसोदिया मैडम, ADM वित्त श्री रूपेश सोहनी जी, ब्लॉक प्रबंधक श्री धर्मेंद्र दुबे, CLF प्रभारी अरुण खोदरिया, ब्लॉक स्टाफ अशद शेख, दीपिका जोशी एवं 25 ग्राम संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। अंत में CLF अध्यक्ष सुनीता मालविया दीदी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभा का समापन किया। यदि वाकई दीदी उस पात्रता में है तो उनका काम हम करवाएंगे। तो मैंने ऐसे अभी नए नए अभी जाति प्रमाण पत्र वगैरह के केस किया था कि 12 साल से वो परेशान थे, साईखेड़ा का था अपने जीवन ज्योति संकुल स्तरीय संघ से, वो मतलब हार मान चुके थे कि नहीं अब तो मेरा भी नहीं बनेगा और मेरे बेटे का भी नहीं बनेगा, क्योंकि उनका बेटा था 5वीं क्लास में भी पढ़ रहा था, स्कूल से उनको मना कर दिया कि जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं बनेगा, आपके गाँव से बनवा। जब वो गाँव में गए तो उनका घर और जमीन उन्होंने बेच दी थी, उनके पास कोई सबूत नहीं था, और फिर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने घर के किसी उनके रिश्ते वाले का प्रमाण पत्र लगता है, उनके परिवार में यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं था, उनके पिताजी भी नहीं थे, माता जी का तो लगता ही नहीं थी, और काका बाबा कोई नहीं था। और फिर उनके बाद में फिर उनको मैंने मैडम से भी बोला, बोले नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं है, उनका मैडम 18 साल से तो मैं देख रही हूँ, और उसके पहले भी जो बुजुर्ग है उनसे भी मैं जान चुकी हूँ कि इनका कोई नहीं है। फिर उन्होंने मैडम ने बोला कि जहाँ बच्चा पढ़ता है उसकी स्कॉलर रजिस्टर में से प्रमाणित करवा के ले आइए तो मैं बना दूँगी। तो और फिर पटवारी जी से उन्होंने बात की कि नहीं आप इनकी वंशावली निकालिए, और वंशावली के आधार पर उनका पिता और पुत्र दोनों का जमीन जाति प्रमाण पत्र बन गया है। तो वो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे। बताना चाह रही हूँ कि कुछ भी ऐसी समस्या हो तो पहले अपने समूह की बैठकें अच्छे नियमित कीजिए, नियमित बैठक होगी तो आपको पड़ोसी के घर के भी हालचाल मिलेंगे, नहीं तो पड़ोसी के भी नहीं मिलेंगे, और जब तक पड़ोसी के हाल नहीं मालूम पड़ेगा तो दूसरी गली में आप नहीं जा सकते, क्योंकि दूसरी गली में काम संगठन है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस बात को गंभीरता से, ठीक है, आप लोगों के लिए भी लोक अधिकार केंद्र जो है वो सबके लिए अपने खरगोन ब्लॉक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ठीक है, आपकी जब कभी भी कोई भी ऐसी समस्या आए तो आप हमारी दीदियों का साथ लेकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नहीं, और ऐसे जैसे कोई बच्चे हैं जो ऐसे घूम रहे हैं जिनका परिवार नहीं है, उनकी जानकारी भी आप अपने पास नोट